शनिवार की शाम एक कटिंग चाय के साथ मैं पराग भायानी आज एक नई उमंग के साथ एक नए जोश पर एक कविता लेकर आया हूं और आशा है आपको ये पसंद आएगी। हर गेंद और हर ओवर में जब हम अपना बेस्ट दे देते हैं तब क्रिकेट की हर मैच में जीत का सहरा अपने नाम कर देते हैं। आइए शुरू करते हैं। जो भी करना है बेस्ट करके देख लो, नतीजा मुरली मनोहर पर रेस्ट करके देख लो, हौसले में थोड़ा इन्वेस्ट करके देख लो, फिर जीवन का आनंद टेस्ट करके देख लो। जो भी करना है बेस्ट करके देख लो, नतीजा मुरली मनोहर पर रेस्ट करके देख लो, होश का जाम पिला करके देख लो, जोश का दाम बढ़ा करके देख लो, मेहनत का दाव लगा करके देख लो, फिर किस्मत की गुत्थी पल भर में सुलझते हुए देख लो। जो भी करना है बेस्ट करके देख लो, नतीजा मुरली मनोहर पर रेस्ट करके देख लो। नफा नुकसान का गणित भुला के देख लो, गुणवत्ता का गुणांक बढ़ा के देख लो, कीमत से ज्यादा खरीदार को दे के देख लो, फिर खुशियों का आंगन सजते संवरते देख लो। जो भी करना है बेस्ट करके देख लो, नतीजा मुरली मनोहर पर रेस्ट करके देख लो। दिल के तरंग से वाणी के सुर मिला के देख लो, मोहब्बत के पंखों से उड़ान भर के देख लो, नम आंखों को मुस्कान से चमका के देख लो, फिर नरम गरम यादों की सेज सजते हुए देख लो। जो भी करना है बेस्ट करके देख लो, नतीजा मुरली मनोहर पर रेस्ट करके देख लो। सौदागर नहीं सहभागी बन के देख लो, लोग जहां छोड़ दे वहां से आगे बढ़ के देख लो, जीवन को रिश्तों की सांसें उधार दे के देख लो, फिर उत्सव की बेला को गले लगाते देख लो। जो भी करना है बेस्ट करके देख लो, नतीजा मुरली मनोहर पर रेस्ट करके देख लो। नीति नियमों से जीवन की नींव रचा के देख लो, जिम्मेवारी से अपनेपन की बुनियाद बना के देख लो, औरों के मान सम्मान की आदत डाल के देख लो, फिर जिंदगी को अपने आगे नतमस्तक होते हुए देख लो। जो भी करना है बेस्ट करके देख लो, नतीजा मुरली मनोहर पर रेस्ट करके देख लो। मन मंदिर में बर्फ की, स्पर्श में करुणा की, मुख में शक्कर की, नजर में सुंदरता की और दिल में मोहब्बत की फैक्ट्री खोल के देख लो, फिर हर दिल में उत्साह की लहर उठते हुए देख लो। जो भी करना है बेस्ट करके देख लो, नतीजा मुरली मनोहर पर रेस्ट करके देख लो, हौसले में थोड़ा इन्वेस्ट करके देख लो, फिर जीवन का आनंद टेस्ट करके देख लो। जो भी करना है बेस्ट करके देख लो, नतीजा मुरली मनोहर पर रेस्ट करके देख लो। सुनने और सराहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे अगले शनिवार को एक नई कविता के साथ। तब तक आप और आपके प्रियजन मस्त और तंदुरुस्त रहे, यही प्रार्थना भगवान से है। धन्यवाद।